1997 लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता अर्जित की। इस सफलता के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की असाधारण लोकप्रियता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी की अटूट रणनीति, लेकिन इसके साथ साथ जो 11 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए थे, 2015 में जो सदस्यता अभियान चला था और वो सदस्य हर बूथ पर फैले थे, उन सदस्यों के कारण और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के परिणाम स्वरूप ये शानदार विजय प्राप्त भारतीय जनता पार्टी ने की है। मैं अपने उन सभी 11 करोड़ सदस्यों को इस तरह बधाई और धन्यवाद दोनों देना चाहता हूं। 24 जून तक हमारे सभी प्रदेशों की बैठक संपन्न हो जाएगी सदस्यता की तैयारी, और 1 जुलाई तक सभी जिलों की बैठक संपन्न हो जाएगी जिसमें मंडल तक के लोग आएंगे और नीचे मंडल और बूथ तक की रणनीति हमारी तय करके क्रियान्वित करने की रणनीति बन जाएगी। उसके बाद 6 जुलाई को हम अभियान प्रारंभ करेंगे। अभी 11 करोड़ सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, न्यूनतम मिनिमम 20% सदस्य हमको बढ़ाना है। उस हिसाब से हमारा टारगेट है 2 करोड़ 20 लाख, लेकिन 2 करोड़ 20 लाख अंतिम नहीं है। कई राज्य इससे ज्यादा अपने यहां 20% से भी ज्यादा सदस्यता कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसकी रणनीति और रूपरेखा भी हमने बनाई है। विशेष रूप से वो बूथ जहां हमारा काम कमजोर है, इस चुनाव के परिणाम के बाद और आसानी से वो बूथ पहचाने जा सकते हैं, पहचान रहे हैं, उनमें हम सदस्यता करेंगे। और सभी बूथों के साथ साथ समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों के, और विशेषकर यूथ है, जो प्रधानमंत्री जी से इतना प्रभावित है कि उसके मन में एक जुनून है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े इसका, उस युद्ध को भी हम जोड़ेंगे। सदस्यता निष्काल से होगी, लेकिन इस बार ये व्यवस्था भी कर रहे हैं कि निष्काल के साथ साथ हमारे कार्यकर्ता बूथ पर जाएंगे और कार्यकर्ता जो निष्काल करेगा उससे फॉर्म भी बढ़वाएंगे। निष्काल के बाद सदस्यता का सत्यापन होता हुआ चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो अभियान में जुटेगी, लेकिन पार्टी के सभी मोर्चे, सारे प्रकोष्ठ इस विशेष सदस्यता अभियान को चलाएंगे, यहां आवश्यक समझेंगे। महत्वपूर्णकारी कार्यकर्ता भी बूथ पर पार्टी की सदस्यता के अभियान को चलाने के लिए लगाए जाएंगे। ये सदस्यता अभियान 6 जुलाई से प्रारंभ होकर 10 अगस्त तक चलेगा और 10 अगस्त के बाद 16 अगस्त से 31 अगस्त तक सक्रिय सदस्यता का अभियान हम प्रारंभ करेंगे। हम सक्रिय सदस्य बनाएंगे, लेकिन सामान्य तौर पर सक्रिय सदस्यता के बाद भी राज्य सदस्यता अभियान को चला सकते हैं और 31 जनवरी तक सामान्य तौर पर यह सदस्यता अभियान चलेगा। और इस सदस्यता अभियान के माध्यम से एक बार फिर से वो साथी जो अब तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नहीं हैं उनको जोड़ने का विशेष प्रयास किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसको प्राप्त करने में हम सफल होंगे। धन्यवाद। 6 जुलाई से 10 अगस्त तक
विशेष सदस्यता अभियान चलेगा, लेकिन और 10 अगस्त के बाद 16 अगस्त से हमारा 31 अगस्त तक सक्रिय सदस्य बनाने का अभियान चलेगा। डिफरेंस क्या है सक्रिय? एक तो साधारण सदस्य होता है और दूसरा होता है सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य उसे कहते हैं जिसने लगातार जो 3 साल से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो, जिसने साल में 7 दिन पार्टी के काम को काम के लिए विशेष रूप से दिया हो, तो उसको हम सक्रिय सदस्य कहते हैं। खबर ये आई थी कि 11 करोड़ की बजाय 9 करोड़ के आसपास आपके कार्यकर्ता हैं, क्योंकि जिन्होंने मिस्ड कॉल की वो गायब हुए, मिले नहीं है, जान पा के हाथ में है, 9 करोड़ गायब नहीं हुए, कई बार मोबाइल नंबर बदल जाते हैं, इसे ढूंढने में कठिनाई होती है, इसलिए इस बार एक साथ दोनों काम कर रहे हैं, मिस कॉल भी करेंगे और फॉर्म भी भरवाएंगे, तो कोई घूमेगा नहीं। सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी, इसी को लेकर मेरा सवाल है कि सर्वस्पर्शी मतलब सभी, जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, सभी धर्म और सभी अल्पसंख्यक सभी धर्म तक है, तो क्या इस अभियान के सहारे बीजेपी की जो छवि थी वो हिंदुत्व की वो बदलना चाहती है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी पहले भी समाज के सब वर्गों की पार्टी थी और इस बार हम लोग विशेष रूप से प्रयास करेंगे कि सब पंथ जाति धर्म व्यवसाय वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। सर आपने बोला कि आप सभी स्टेट्स में फोकस करेंगे, कुछ स्टेट्स में बूथ को लेकर स्पेशल फोकस होगा, जैसे कि वेस्ट बंगाल, केरला, तो क्या कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने की योजना पार्टी बना रही है 17 तारीख को, उसके बारे में व्यापक रूप से चर्चा और बातचीत करेंगे। सभी राज्यों के प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी आएंगे, तो राज्यों की विशेष परिस्थितियों के हिसाब से भी हम वहाँ के हिसाब से अभियान के स्वरूप को देंगे। सर, वेस्ट बंगाल में हिंसा एक के बाद एक बढ़ रही है, जब आपका ये मेंबरशिप ड्राइव वेस्ट बंगाल में होगा उसमें भी टीएमसी और बीजेपी के बीच झड़प होने की आशंकाएं हैं, जो ऑनगोइंग चल रहा है, हम लोकसभा से देख रहे हैं, उसके लिए क्या बीजेपी कुछ स्पेशल अरेंजमेंट कर रही है? देखिए, सदस्यता अभियान चलेगा और मुझे नहीं लगता कोई रुकावट आएगी तो देखा कि हम लोगों ने संविधान में व्यवस्था की कम से कम 20% हमारी सदस्य नए सदस्य बनना चाहिए। अब सबको हम नहीं बना रहे, जो 11 करोड़ है वो हैं, वो 6 साल में एक बार नवीनीकरण होता है, लेकिन 20% उसमें नए जोड़ना है, तो 20% जब हम नए जोड़ेंगे तो 2 करोड़ 20 लाख नए सदस्य जोड़ेंगे। देखिए, चुनाव परिणामों के आधार पर आसानी से पहचाना जा सकता है कि काम हर काम कमजोर है और राज्यों को पहचानने का, जिलों को पहचानने का काम दे दिया गया है, वो पहचान के फोकस। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर दबाएं।